बच्चों। हेलो सभी बच्चे, कहानी सुनने के लिए तैयार? यस। आज की हमारी कहानी है दोस्ती मित्रता, है ना। दोस्ती, तो दोस्ती जब होती है किसी के साथ तो दोस्त की बात मानते हैं ना। तो इसी तरह से हम दो दोस्तों की कहानी सुना रहे हैं। कौन से दोस्त? दो दोस्त। दो दोस्त, एक चूहा और एक तो वहीं पे जब कुछ ना कुछ चुगती रहती। गिलहरी को पसंद होते हैं अखरोट और चूहे को बेर। तो जब भी चूहा बेर कहीं से पा जाता तो गिलहरी को देता, और गिलहरी कहीं से यदि अखरोट पा जाती तो क्या किसको देती? चूहे को। इस तरह दोनों की बहुत 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 इतनी बड़ी वाली थी मित्रता, दोस्ती बहुत अच्छी वाली दोस्ती थी। ऐसे करने वाली दोस्ती थी कि वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे। वो पेड़ पे थी तो वो बिल पे थे। जब दोनों फुर्सत पाते अपने काम धाम से तो चढ़ के या तो गिलहरी नीचे उतर के आ जाती थी, या तो फिर चूहा ऊपर चढ़ जाता था। दोनों बैठ के कुछ 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 खूब बातें करते रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, चूहा और गिलहरी दोनों नीचे बैठे हुए थे। तब तक एक हाथी करता हुआ आया और चूहे ने इसे देखा, अरे बाप रे ये क्या है, गिलहरी ने इसे देखा, अरे ये क्या है। तो दोनों आपस में पूछ रहे हैं कि अरे है। तो गिलहरी तो भी डर गई, गिलहरी जो है ऐसे से डर गई कि अरे क्या दिख रिया। वो करती करती ऊपर चढ़ गई। उसने चूहे से कहा, आओ भाई चूहे चले ऊपर चले, इसको इसे ना मिलो। और गिलहरी बहुत उसको करी। चूहा कहता, नहीं नहीं देख लेने दो, तुम चलो ऊपर, तुम चलो ऊपर, हम देख के आते हैं। भाई देखो, देख लो सब बातें ठीक है, लेकिन इससे बात नहीं करना चाहता। तो बहुत समझाया उसको, गिलहरी तो भाग गई ऊपर और चूहा नीचे बैठा, मस्त ऐसे बैठा उसको देख रहा। ये लंबा ऊंचा को फंस के कौन हो भाई? तो अब हाथी कहता, तुम कौन हो? यो करते, तुम कौन हो? क्या कहता, चुछ 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 चुछ, मैं तो चूहा। हाथी कहता, मैं हाथी हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं तो दोस्ती करेंगे, मैं तो छोटा सा हूँ, तुम दोस्त रहे बड़े हो। कहता, तो तुम खाते पीते कुछ नहीं हो तो कैसे तुम मोटे हो? कहता, मैं अखरोट खाता हूँ। कौन बोला? चूहा। और मैं मिठाई खाता हूँ, मैं मूंगफली खाता हूँ। और क्या करता है चूहा? चूहा लड्डू भी खाता है, चूहा मिठाई भी खाता है, चूहा अखरोट भी खाता है, चूहा को जो कुछ मिल जाता कुतरने वाला सब खा जाता है। लेकिन अब हाथी क्या कहता, देखो भाई मैं खाता हूँ कन्ने, मैं खाता हूँ केले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खूब सारे गन्ने खिलाऊंगा, खूब बड़े बड़े केले खिलाऊंगा, और तुम मेरे जैसे ऐसे हो जाओ, कैसे ये ऐसे वाले मोटे और ये ऊंचे, खूब जब बड़े से हो जाओगे तो और अच्छा लगेगा। अब चूहे का मन ललचा गया, बस के वो भैया लालच में घुस के क्या बोला, क्या मैं जाऊँ इसके साथ, क्या मैं जाऊँ ऊपर? देख रहा गिलहरी की तरफ, गिलहरी की तरफ, नहीं 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 जाना नहीं जाना नहीं जाना, नहीं तो हमें यदि बहुत परेशान करेगा, मत जाओ, तुम बहुत इतना बड़ा है, तुम इतने खुद्दू से हो, मत जाओ मत जाओ, तुम मेरे साथ रहो। और देखा, नहीं मैं यूं मुझो पे ताव दे रहा, मैं तो जाऊंगा, चूहे के मुझे दी ना, चूहे ऐसे करता, मैं जाऊंगा इसके साथ में। और वो उसके सूंड पे लद लिया और हाथी ने कैसे सूंड उठाई, यूं सूंड उठाई और ऊपर अपने पीठ पे बिठा लिया। अभी वो चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा। अब चूहे को मौज आ रही, बहुत मौज आ रही, अरे वाह क्या सवारी मिली है, इतनी ऊंचे पहाड़ पे बैठे हैं। और रास्ते में क्या हुआ, जो हाथी था वो गन्ने के खेत में घुस गया और खूब सारे गन्ने तोड़े, सब गन्ने तोड़ता रहा और उसमें से गन्ना खाना शुरू कर दिया। उसने कहा, चूहे भाई गन्ने खा लो, ये लो पकड़ो, खूब सारे हैं। चूहा क्या क्या ऐसे खुदा रहा, इतना मोटा गन्ना है, कर रहा, लेकिन उसने कितना खाया, इतना सा बिल्कुल ठीक। और गन्ने ने खूब सारी गपा गप ऐसे उठाया, ऐसे तोड़ा, मुंह में डाला और सटा सब गायब
अपना वो खा गया। फिर उसने जब खा लिया, सूंड ऊपर उठाई और चूहे से कहा, खा चुके चला जाए हम? तो चूहे ने कहा हाँ भाई चलो, और वो फिर आगे गया। आगे उसको मिला बहुत बड़ा केले का खेत बाग। फिर खेत बाग उसका देखा, खूब सारे केले ऐसे ऐसे लटक रहे, ऐसे ऐसे एक गुच्छे में खूब सारे केले होते ना इतने बड़े से गुच्छे में। तो उसने हाथी ने क्या किया, चलता गया और सूंड ऐसे बढ़ाई और झम से एक गुच्छा पूरा तोड़ लिया और चूहे से कहा ये लो पकड़ो खूब खाओ मुस्के। चूहा भाई फिर उतरा, उसने कुदर के थोड़े से केले मुश्किल से इतना सा खाया और वो जो है बैठ जाओ बेटा बैठ आराम से खाया। और क्या हुआ, उसका तो पेट भी नहीं भरा क्योंकि वो जल्दी खा ही नहीं पा रहा था, तो धीरे धीरे खाता था। अभी उसने तो सूंड से ऐसे उठाया मुंह अपना और उठाया केला गप से मुंह में, फिर उठाया गप से मुंह में केला। भाई हाथी है, हाथी का तो मुंह ये बड़ा था, उसने खटाखट खूब सारे केले खाए। अभी चूहा क्या उतर रहा बेचारा, उसका पेट नहीं भरा, थोड़ा सा पेट भरा। फिर हाथी ने कहा भाई कुछ और किया जाए, उसने कहा हाँ हाँ भाई चलो और हाथी फिर आगे चल दिया। आगे पहुंचने पे उसने कहा भाई मुझे तो प्यास लगी है, मुझे तो पानी पीना है। तो कहा ठीक है पानी पी लो, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो आराम से बैठा हूँ पेड़ पे। और क्या हुआ, वो हाथी जो था पानी नहीं उसने पिया, वो सीधा तालाब में घुस गया। हाथी जो था सीधे तालाब में घुस गया और तालाब में सूढ़े से डुबोई और बस खूब सारा पानी पिया। जब खूब सारा पानी पी चुका उसके बाद तो चूहे भाई पानी पियोगे, और उसने फटाक से सूढ़ में पानी भरा और अपनी पीठ में छोड़ दिया। अभी वही चूहे का हाल बुरा, चूहा कैसे करने लगा, चूहा भीग गया, उसको तो भी ठंड लग गई, ऐसे डरने लगा, जाड़े से डर लगता है ना, खूब सारा जाड़ा उसको लगने लगा। आप क्या करे, वो तो पूरा भीग गया था। अब बहुत परेशान करने लगा हाथी भाई मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। लेकिन हाथी चूंकि उसका पेट भर चुका था, उसने खाया था गन्ना, उसने खाया था केला, उसने पिया था खूब सारा पानी और उसका पेट हो गया था खूब मोटा, खूब कायदे से पेट भर गया था। अब चूहा ऊपर गया, हाथी भाई मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे ले चलो मेरी जगह पे छोड़ दो, मुझे ले चलो भाई तुम्हारे हाथ जोड़ता। लेकिन अभी चूहा तो इतना छोटा सा था ना और हाथी ये मोटा सा था, उसने उसकी बात तो सुनी ही नहीं, वो तो ऊपर था पीठ पे बैठा हुआ, कैसे सुनता। वो बहुत जोर से चूहा चिल्ला रहा धीरे धीरे से जा रहा। अभी चूहे की आवाज सुनाई पड़ी किसको, गिलहरी को, उसके मित्र को सुनाई पड़ गई आवाज। तो वो धीरे धीरे चलती चलती चली आई, फिर देखा कि हाथी थोड़ी दूर पे जाकर के एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया आराम से, वो ऐसे ऐसे अपनी थोड़ी ऐसे ऐसे हिला रहा। वो खड़ा हो गया, तब तक गिलहरी जो थी वो पेड़ पे चढ़ गई। उसने कहा हाथी भाई परेशान मत हो, नीचे देखो मेरी तरफ नीचे देखो। उसने एक डाल पे क्या किया, चूहे ने नीचे देखा, नहीं दिखाई पड़ी क्योंकि तभी वो जड़ के पास थी, जो पेड़ पे चढ़ी ऊपर से डाली लटक रही थी पेड़ की और नीचे ऐसे लटकी डाली ऐसे लटकी उसने। तो गिलहरी ने क्या किया, एक अपनी पुच्छी लटकाई, ये वाली डाली ऐसे ऐसे करके, और ऐसे पुच्छी थी उसकी ऐसे लटकी, ऐसे ऐसे लटक गई, टिक टिक लटक गई। और चूहा बैठा था यहाँ पे बैठा, चूहा गया ऐसे पुच्छी पकड़ी, कहा मेरी पूछ पकड़ लो भाई, जल्दी से पकड़ो अभी हम तुमको लेके चलते हैं। और उसने ये पकड़ के पूछ रहे थे पकड़ा करते ऊपर चढ़ गई, कहाँ चढ़ गई, पेड़ पे ऊपर चढ़ गई। फिर क्या हुआ बच्चों, दोनों भैया इतने खुश हुए, ऐसे मिलके बैठ गए, भाई मेरे को बड़ा जाड़ा लग रहा, अच्छा तो हाथी की सवारी मजा आई, तो मेरा मजाक मत उड़ाओ मेरे को बड़ा जाड़ा लग रहा। वो तुरंत जा करके दूसरे जो डाल पे जहाँ पे धूप थी वहां पे उसको रखा और कोमल पत्ते तोड़ के लाई कुछ और उसको पोछा। जब उसको पोछ दिया तो उसकी जान में जान आई और वो गई पास में अपना जहाँ गिलहरी का वो बिल बना होता पेड़ के, उसमें बना नहीं होता गड्ढे से होते ऐसे ऐसे करके, उसमें से गई, उसने छुपा के अखरोट रखा था और उसने अखरोट उसको दिया। जब अखरोट उसने खाया और उसकी जान में जान आई, फिर वो क्या हुआ, अखरोट खा के खूब पेट भर गया, तब बहुत खुश हुआ। और फिर वो चढ़ाने के लिए गिलहरी बोली, क्यों तुमने जो है दोस्ती करी बहुत अच्छी थी दोस्ती, कहा मुझे कुछ मत खो, अब मैं हाथी के साथ नहीं जाऊंगा, हाथी बहुत बड़ा होता है तो तुम मोटे तगड़े हो जाते गन्ने खा के, खूब केले खा के, तो नहीं मुझे मोटा नहीं कर, मैं मोटा हो जाऊंगा। तो वो चूहा शर्मा गया, तो मैं बिल में कैसे घुसू,
अच्छा भाई ठीक है, तुम कहीं मत जाना, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम हमें बेर ला के देना, हम तुम्हें अखरोट ला के देंगे और दोनों लोग मजे से पेड़ के पास रहेंगे। ठीक है, मैं पेड़ पे रहूंगी, तुम्हारा मन करे तो तुम पेड़ पे आ जाना, मेरा मन करेगा तो मैं नीचे आ जाऊंगी और हम दोनों लोग एक साथ खेलेंगे, एक साथ खाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। और तो इसे क्या पता चलता है ना, हाथी से दोस्ती करना क्या हुआ, भारी पड़ा ना चूहे को, नुकसान होगी फायदा, नुकसान हुआ। इसीलिए किसी ऐसे के साथ दोस्ती नहीं करो जिससे तुम्हारा नुकसान हो। आगे से अच्छे से दोस्ती करोगे ना अच्छे दोस्तों के साथ। ठीक, तो आज की कहानी फिनिश, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक बाय बाय।